नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार झा और आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल लव टू लर्न में। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो रीजनिंग का है, वर्बल रीजनिंग में एक एनालॉगी चैप्टर आता है, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, तो व्हेन वन वर्ड ऑफ पेयर गिव्स द यूनिट यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी गिवन इन अदर वर्ड ऑफ द पेयर देन इट इज कॉल्ड क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा फोर्स है, सब चीज़ का अपना एक अलग अलग यूनिट होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेजरिंग यूनिट होता है, जैसे कि आपने एक किलो गेहूं लिया, तो यहाँ पे किलो क्या है, गेहूं का मेजरिंग है कि गेहूं कितना है। तो आपने एक किलो गेहूं लिया तो ये मेजरिंग यूनिट होता है। तो जैसे फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल है, सम मोर एग्जांपल आर गिवन बिलो। लेंथ मतलब लंबाई, जिसको हम मीटर में मापते हैं, लेंथ मीटर। टाइम सेकंड, वॉल्यूम लीटर। वॉल्यूम यहाँ पे जैसे कि आप लोग दूध लेके आते हैं तो कितना आपने दूध लिया उसको हम लीटर में मापते हैं ना, तो वॉल्यूम लीटर। रेसिस्टेंस ओम, रेसिस्टेंस ओम होता है। वर्क जूल, यानी कि जो आप लोग वर्क करते हो। पावर वाट, प्रेशर पास्कल। मास किलोग्राम, यानी कि हम लोग का जो वेट होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। टेम्परेचर के लिए डिग्री। करंट एम्पियर, जो हम लोग के घर में करंट आते हैं तो उसको SI यूनिट में एम्पियर से हम लोग मेजरिंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा SI होता क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो कि आप विश्व के अनेक जगहों पर चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका SI यूनिट एम्पियर ही सुनने को मिलेगा। नहीं तो मान लीजिए अपने देश में, हम भारत का बात कर रहे हैं अपने देश का, तो अलग अलग जगह पर जाते हैं सब लोग अलग अलग, यानी कि कोई एक चीज़ है उसको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो करंट है उसको एम्पियर ही पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। एंगल रेडियन, एनर्जी जूल, पोटेंशियल वोल्ट, एरिया हेक्टेयर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। उससे आगे मैं आपको बताऊँगा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ ये क्या है। व्हेन वन वर्ड ऑफ पेयर रिप्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अदर वर्ड देन इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप। जैसे इसमें आपने कोई भी डिवाइस लिया या कोई भी चीज़ लिया, उसका यूज हम किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, तो उसको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट रिलेशनशिप के लिए कहते हैं। जहाँ पे हम लोग मेजरिंग का यूज करें उस चीज़ को लेके, जैसे स्केल का क्यों यूज करते हैं हम लेंथ मापने के लिए, भैया कितना सेंटीमीटर का है, कितना मीटर का है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जैसे मेजरिंग के लिए, बैलेंस मास। थर्मामीटर के लिए ये टेम्परेचर माप मेजर करता है, बैलेंस जो है मास मेजर करता है। ओडोमीटर जो कि स्पीड को मेजर करते हैं, हम लोग देखते हैं ना हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें स्पीड दिखाते हैं कि आपका स्पीड अब 40 घंटा हो गया, 60 घंटा, माफ कीजिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो ये जो चीज़ उसको स्पीड को मेजर करता है। एनीमोमीटर विंड मतलब हवा को। स्क्रूगेज थिकनेस कि आपका सामान कितना मोटाई है। एमीटर करंट कि कितना यूनिट आपके घर में आया है, तो उस चीज़ को एमीटर मेजरिंग करते हैं। सिस्मोग्राफी अर्थक्वेक कि कितने
गति से, यानी कि क्या तीव्रता था भूकंप का, तो वो उसको मेजरिंग करते हैं टेशोमीटर स्ट्रेंस। और ये है सिफिगेमेनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर को मेजरिंग करते हैं। अधिकतर आप हम लोग देखते हैं ना, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो ब्लड बीपी चेक करवाने के, तो वो लोग हमारे हाथ में तो उसको पूरा अच्छे ढंग से टाइट करके बांध देते हैं, तो उसको हम लोग सिप ही गमोमेनोमीटर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ दूंगा इससे रिलेटेड। तो धन्यवाद, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।